हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूजी एटी डबल बी ए के बारे में, कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है UGATBBA 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको UGAT से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया UGATBBA 2023 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड एडमिशन प्रोसेस। देन यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 जनवरी को स्टार्ट हो चुका था अलग अलग कोर्सेज के लिए। एंड UGAT का फुल फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। देन यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स एज क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया UGATBBA 2023 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन हियर। देन यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। देन यहाँ पे जो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट से, जैसे कि अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पे न्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, बट अगर आपने पहले रजिस्टर किया था तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आप वो डालेंगे। एंड जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपने जो ईमेल आईडी डालना था आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा। एंड देन यहाँ पे जो है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको बताएंगे जो आपने स्टार्टिंग में डाला था रजिस्ट्रेशन करते टाइम। एंड यहाँ पे ईयर बताएंगे। देन यहाँ पे जो कैप्चा वेरिफिकेशन कोड दिया गया, आप उस वेरिफिकेशन कोड को टाइप करना है आपको। एंड उसके बाद हम जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड देन जो है तब हम न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे फर्स्ट एक्शन में है यहाँ पे फिल एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करना है। देन सेकेंड में आपको अपना फ़ोटो देना है एंड सिग्नेचर करना है। थर्ड में आपको अपना एप्लीकेशन फीस देना है एंड फोर्थ में जो आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट वाला फिल एप्लीकेशन करेंगे देन हम जो है न्यू टैब में यहाँ पे हम ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग टेस्ट टेकिंग ऑप्शन बताना है एंड देन यहाँ पे चूज़ करना है आपको कहाँ पे अपना टेस्ट देना है। देन यहाँ पे आपको प्रोग्राम बताना रहेगा एंड देन यहाँ पे आपको मिस्टर एंड मिसेज जो भी आपको वो बताएंगे। देन जेंडर बताएंगे आपको जो भी जेंडर होगा। देन यहाँ पे नेशनलिटी है, आप नेशनलिटी बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, सिटी बताएंगे आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं एंड देन यहाँ पे स्टेट बताएंगे आपका स्टेट क्या है आप वो बताएंगे। देन यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होता है, आप जिस जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपका वहाँ का एड्रेस बताना होता है। एंड देन जो है यहाँ पे पिन कोड डालना होगा, जो भी आपका पिन कोड होगा आपके स्टेट का। देन यहाँ पे जो है आपको अपना फ़ोन नंबर देना होता है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा आप वो देंगे। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आपको जो है अपना फ़ोन नंबर ऐड देना होता है और